एवरीवन, दिस इज़ मी शोज़ उपसालिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज से पहले आप मुझे शॉर्ट्स पे देख रहे थे, आज फर्स्ट मेरा वीलॉग है। उम्मीद करती हूँ शॉर्ट्स की तरह आप मुझे मेरे वीलॉग को भी पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, जैसे आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं शॉर्ट्स पे। अगर टाइम है, अभी नाश्ता नहीं स्टार्ट किया तो सोच रही हूँ सबसे पहले चाय बना लूँ, चाय पी के फिर आपके साथ बातें चलती रहेंगी। सारा दिन व्लॉग में हम लोग बातें गपशप करेंगे, हम बनाएंगे चाय और वो पीएंगे। लेट्स गो। वेट कर रहे हैं, बॉइल करने के कुछ दिन पहले ना मैंने ब्यूटीफाई बाय आमनास का ना ऑर्डर किया था पार्सल, तो मुझे ये आ गया है, तो अनबॉक्सिंग करेंगे आपके साथ। देखते हैं कि हमारी चीज़ें कैसी हैं। इनकी सेल बहुत अच्छी लगी हुई थी, मैंने सेल्स ऑर्डर किया। गलत डायरेक्शन में खोल रही हूँ मैं, बिल्कुल ही फ़ोन पकड़ के ना एक हाथ से खोलना मुश्किल हो जाता है ये डब्बा। देखिए इसका ये लाइनर बहुत फेमस है, और इसका ऑल डे लॉन्ग जो लिपस्टिक है ये 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग है। तो जिस दिन मैं अब इसका रिव्यू दूँगी आपको लगा के ट्राई करके, तो बताऊँगी कैसा रहा था। वैसे सुना तो बहुत इसका कि बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट। सेल में मुझे ये तकरीबन 1500 का मिल गई हैं दोनों चीज़ें, जो कि एक्सपेंसिव थी। तो इनकी ये ईयरली जो सेल लगती है वो बहुत अच्छी है। ये देखें इसका कलर बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट कलर्स में ये मिल रहा है। इसका ऑल डे लॉन्ग लिपस्टिक, ये देखिए इसका कलर कितना वाइब्रेंट है। वैसे ये हर कलर में ही है उनकी वेबसाइट पे, तो मुझे ये चाहिए था कलर तो मैंने ऑर्डर किया। तो ये मैं जब आपको लगा के दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कितना अमेजिंग है इसका रिज़ल्ट। वैसे बहुत अच्छा है, मैंने अपने कज़न का यूज़ किया था, उसके बाद ही तो मैंने मंगवाया। और ये जो लाइनर है, पेन लाइनर, ये तो हमेशा ही आपको पता अमेजिंग ही रहते हैं पेन लाइनर। इनका बना भी कितना प्यारा सा, इनकी पैकिंग भी बड़ी अच्छी लगी है वैसे। और ये इसका ये ड्रेस सोच रही हूँ आज वीडियो के लिए क्या पहनूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी क्लॉजेट भी सारी बिखरी है, मैं सही करती हूँ फिर वीडियो बनाने के लिए निकालो या बाहर जाने के लिए फिर वापस ख़राब हो जाती है। तो अभी डिसाइड करते हैं कि क्या पहनना है, उसके बाद फिर हम बनाएंगे वीडियो और मैं आपको पहन के दिखाऊँगी कैसा लग रहा है। पर पहले डिसाइड तो कर लें क्या पहनना है। मैंने ना ये रेड कलर का निकाला है ड्रेस, मेरा आज दिल कर रहा है थोड़ा डार्क कलर का पहनने को, मोस्टली मैं लाइट ही पहनती हूँ। ये देखें, और इसके साथ है ये वाला दुपट्टा। अच्छा, इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है, मैंने खुद बनवाया था ये, इसलिए मुझे इसका ना ये जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है फूलों की स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। चलें फिर अब हम लोग इसको पहनते हैं, इसके साथ ज्वेलरी निकालेंगे, मेकअप डिसाइड करेंगे क्या लुक करनी है। अच्छा, ईयरिंग्स में डिसाइड कर रही हूँ कि कौन से पहनूँ या दूसरे बॉक्स में चेक कर लेती हूँ। इसमें तो कुछ कलर नहीं कॉम्बिनेशन बन रहा रेड के साथ, हमारा रेड और ब्लैक है। या तो इसके साथ गोल्डन कुछ अच्छा लगेगा, या तो फिर इसके साथ रेड, नहीं रेड बहुत लाउड हो जाएगा, ब्लैक या फिर गोल्डन, समझ नहीं आ रही क्या पहनूँ। गोल्डन में ये है मेरे पास इस बॉक्स में पड़ा हुआ, देखते हैं अभी फिर क्या करना है। ये भी है, ये बहुत मसला होता है ज्वेलरी डिसाइड, मेकअप डिसाइड, ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। जब तैयार हो जाओ तो बस फौरन आप शूट भी कर लेते हो, पिक्चर्स भी ले लेते हो, वीडियो भी बन जाता है, लेकिन डिसाइड करने का ही सारा इशू होता है। अच्छा, मैंने इयरिंग डिसाइड कर ली, इन तीनों में से कोई एक पहनूंगी। आउटफिट पहनने के बाद चेक करूँगी कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लैक ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं, गोल्डन या सिल्वर, ये वाले पहनूंगी। और फिर चलें चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट मूव की तरह। ये देखें ये रेड ड्रेस जो मैंने कहा था आज वीडियो में पहनूंगी, वो मैंने पहनना था। साथ मैंने फिर तीनों इयरिंग्स में से जो मैं आपसे पूछ रही थी कौन से पहनूं, फिर लास्ट में ये ब्लैक साथ मुझे अच्छे लगे इसके, वो पहन लिए। और ये देखें स्वेटिंग, हाल बुरा हो गया एसी के साथ पंखे के नीचे खड़े होकर भी, सिर्फ फाउंडेशन लगाने के बाद ये हाल होता है आपका। तब उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीलॉग अच्छा लगेगा, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे ज़रूर बताएगा आपको मेरा फर्स्ट वीलॉग कैसा लगा है अपने कमेंट में। मुझे इसकी मैचिंग बताइएगा आपको अच्छी लगी, मेरे सूट और मेरे इयरिंग्स आपको कैसे लगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।